नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बड़ी अपडेट लेकर अपनी जनता के समक्ष हाजिर हूँ। जिस तरह से लगातार एडमिशन्स को लेकर अंडर ग्रेजुएट जो एस्पिरेंट्स हैं लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे, कभी साइंस कॉलेज, कभी एमएम कॉलेज, कभी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर लगातार, ये कभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, लगातार धरने प्रदर्शन होते। धरने प्रदर्शन का कारण ये था कि बच्चे जिन्होंने 88 या 85 या 80 से अबव परसेंटेज लिए उनको एडमिशन्स नहीं मिल रही। और कहीं ना कहीं कहेंगे राघव लड़वी जम्मू है कमिश्नर लगातार इतने दिनों से जो इन बच्चों की जो परेशानी थी उन तक पहुंची, और उन्होंने ये कहेंगे कि खुशखबरी जिस तरह से आपने पढ़ा कि आपने कैप्शन में डाला कि कितनी सीटें अब बढ़ने जा रही, बताना चाहेंगे वो भी आपको अपनी जनता के समक्ष पूरी जानकारी रखें। जम्मू डिवीजन में 71 कॉलेजेस हैं और 71 कॉलेज में बताना चाहेंगे आपको 27,932 सीट थी, और अब इनको बढ़ाकर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि 6,533 नई सीट का प्रपोजल गया, यानी प्रपोज सीट जो उन्होंने कही है कि अब लगभग 34,465 सीट जो टोटल बढ़कर इंक्रीज होगी, यानी 6,533 सीट के लिए जो कि अब प्रपोज सीट की गई कि बढ़ेंगी 6,533, जिनके चलते उन बच्चों को, जिन लोगों के, क्योंकि अभी जो कट ऑफ पॉइंट है 90 से 95 तक गया लास्ट जो गया, तो उसी के चलते जो 80 से अबव या 88% तक मार्क्स लेने वाले बच्चे कहीं ना कहीं दर बदर भटक रहे थे एडमिशन्स के चलते। वहीं पर दूसरी तरफ जो कि डायरेक्टर हायर स्कूल एजुकेशन, उन्होंने सारे कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये हिदायत दी है कि जिस तरह से अब लगातार जो कि धरने प्रदर्शन चल रहे थे उसी के चलते अब ये जो 6,533 का आंकड़ा है, ये सीट्स बढ़ाई जाएंगी। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि आने वाले समय में जिन लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो फॉर्म्स फिलअप हो गए, अगर उनकी सिलेक्शन होती तो लगभग 8,000 जो सीट्स है वो भी वैकेंट हो जाएंगी। और जिसके चलते राघवन लंगर जम्मू डिवकम जम्मू ने ये कहा बच्चों को कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, जो एडमिशन को लेकर आप लोग परेशान थे, सड़कों पर होते थे, अब आपको उस चीज़ से निजात मिलेगी, यानी कि आने वाले समय में आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। अब 6,533 जो कि पोस्ट प्रपोज की गई हैं इन्हीं कोर्सेज के लिए, और जो लोग, जो बच्चे 80% या 80 से ऊपर के हैं उनको भी अब एडमिशन मिलना मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे एक बड़ा कदम है, और डिवकम जो राघव लंगर उन्होंने भी हिदायतें दी हैं। और साथ ही साथ जम्मू डिवीज़न में जिस तरह से हमने बताया कि 71 कॉलेजेस हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से बताएंगे जो प्रपोजल गया है कि पहले जो अभी तक 27,932 सीटें थी, और यही कहेंगे कि जो अबव परसेंट जो 80% है इस साल, और उसी के चलते जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने प्रपोज किया कि इंक्रीज़ करी जाएगी 6,533, जिसे चलते 34,465 सीटें टोटल होंगी जो एडमिशन के लिए। वहीं पे बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 27,724 2020 और 2021 तक अकेडमी सेशन में थी, अभी 2021 और 2022 में होंगी 34,465, यानी 6,533 टोटल मिलाकर 34,465 सीटें, और जिसके चलते स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि फिलहाल के लिए राहत की खबर है जो उन स्टूडेंट्स के लिए कि लगातार आप देख रहे थे बच्चे लगभग एक हफ्ते से सड़कों पर थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पास, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, कभी एमएमई कॉलेज के पास, कभी साइंस कॉलेज के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे सीट्स को लेकर। पर कहीं ना कहीं कहेंगे एक राहत की खबर ज़रूर आई होगी जम्मू जो स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर आगे निकलना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि एडमिशन को लेकर काफ़ी सारी परेशानियां थी, और बच्चे जो हमारी युवा पीढ़ी थी, हमारे छात्र छात्राएँ थे, वो काफ़ी रोष में थे, और जिसके चलते अब 6,533 प्रपोज जो सीट है यानी बढ़ाने की मांग रखेगी, और जल्द ही इस पर यानी कि हिदायत भी देगी प्रिंसिपल, जो भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल डिग्री कॉलेजेस के हैं उनको हिदायत भी दी गई है। पर फिलहाल ये कहेंगे ये एक बड़ी बड़ा यानी कि काम साबित, ये जो खबर है ये एक बड़ी मदद साबित हो सकती है उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने क्योंकि पहले की बात करें तो 80% एक बहुत मायने रखते थे ये परसेंटेज, और जो वक्त बीतता गया तो परसेंटेज बढ़ती गई और कट आउट जो 90 से 95 तक आ गया, और जिसके चलते 80 से ऊपर या 88 से ऊपर बच्चे जो लेने वाले 90 से नीचे थे, कहीं ना कहीं वो दुविधा में, जिनके चलते एडमिशन्स नहीं मिल रही थी। तो उसी के चलते अब ये 6,533 पोस्ट है एक बड़ी मदद साबित होगी उन बच्चों के लिए जिनके 80 से ऊपर मार्क्स है, अब वो सीट्स को बढ़ाया जाएगा, और जिसके चलते वो बच्चे भी जो समय सड़कों पर थे एडमिशन ना मिलने की वजह से दर बदर भटक रहे थे, प्रोटेस्ट धरने प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल ये खबर उनके लिए बहुत ही राहत है। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर थी कि जो डिवकॉम राघव लंगर की तरफ से जो पूरा अपडेट आया हमने अपनी जनता के समक्ष रखा कि बच्चों, उन्होंने ये कहा कि बच्चों को अब सड़कों पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ये खबर उनके लिए एक राहत का काम करेगी। और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।